नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ITI की टॉप 5 ट्रेड, मतलब सबसे 5 अच्छी ट्रेड, उनके बारे में बताऊंगा। और मैं आप सभी छात्रों को पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी मैं 5 ट्रेड बता रहा हूं, टॉप 5 ट्रेड, ये मैं जॉब के आधार पे बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ITI का कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि आप ITI का कोर्स कम्प्लीट कर लें तो आपकी या तो सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब लग जाए। और जो है, मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ और जो बच्चे मेरे पास आते हैं, और मतलब जो पढ़ने आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ये भी होता है कि वो सरकारी नौकरी करें और रेलवे में नौकरी करें। तो आपको पता है कि ITI की जो नौकरी है वो बल्क मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेलवे में ही निकलती है। रेलवे में सबसे ज़्यादा ITI की जॉब निकलती है, उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय है जिसमें आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आता है, और भी बहुत DRDO हैं, इन सब में भी ITI की जॉब निकलती हैं, ONGC हैं, इन सब में भी निकलती हैं। तो ये जॉब की दृष्टि से मैं टॉप 5 ट्रेड बता रहा हूँ, और मेरा जो ओपिनियन है, मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ, काफ़ी मुझे अनुभव भी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में मतलब कर भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट जॉब में भी कर रहे हैं। तो एकमात्र उद्देश्य जो ITI करने का बच्चों का रहता है, सभी का रहता है, चाहे वो ITI करें या कोई कोर्स करें, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब मिल जाए। ऐसे में आप लोगों को जॉब की दृष्टि से टॉप 5 ट्रेड के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सी 5 ऐसी ट्रेड हैं जो आप लोगों की टॉप पे बनी हुई हैं जॉब की दृष्टि से, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, रेलवे में बात करें, या फिर आप प्राइवेट जॉब की बात करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग YouTube पे मेरा चैनल ITI 360 डिग्रीज़, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ITI से संबंधित हर प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ, जैसे कि ट्रेड के बारे में मैंने बताया है, गवर्नमेंट ITI में एडमिशन के लिए आयु के बारे में बताया है, उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी कितनी प्राइवेट ITI हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, कितनी टोटल जो ट्रेड चलती हैं ITI में, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉप 5 ट्रेड के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सबसे टॉप ट्रेड है जॉब की दृष्टि से, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसके लिए है, वो है इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की जो जॉब है वो आपको रेलवे में भरपूर मात्रा में आती है, आपके DRDO में आती है, आपके भेल में आती है, गेल में आती है, सेल में आती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आती है, और UPPCL जो इसका कोर सेक्टर है, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, UPPCL या फिर किसी भी स्टेट का जो पावर कॉरपोरेशन है, जैसे राजस्थान पावर कॉरपोरेशन है, जैसे कि बिहार पावर कॉरपोरेशन है, हरियाणा पावर कॉरपोरेशन है, तो हर कॉरपोरेशन में बिजली उत्पादन में जो है इलेक्ट्रीशियन की भरमात्रा रहती है। तो इलेक्ट्रीशियन जो है वो टॉप पे बनी हुई है, टॉप ट्रेड है ITI की। प्राइवेट में ही जो है ज़्यादातर जो है कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन है, और जितनी सरकारी जो है संस्थान है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन है। टॉप सेकंड नंबर की बात करूँ मैं, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा फिटर, और फिटर की जॉब करें तो रेलवे में भरपूर मात्रा में है, प्राइवेट जितने भी कंपनी हैं सब में लगभग फिटर की वैकेंसी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, जैसे भी कंपनी हो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसमें आपकी फिटर की वैकेंसी ज़रूर रहती है। तीसरे नंबर की जो ट्रेड है वो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे जो चैनल वाले होंगे, बहुत सारे आप किसी से पूछेंगे वो बताएंगे, वो वेल्डर, तीसरे नंबर पे जो है वो वेल्डर है मेरी दृष्टि से है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेल्डर को अच्छा ट्रेड नहीं मानते हैं। पर आप लोग जब ITI पास आउट हो जाएंगे और जॉब की बात करेंगे, तब आप अपना जो है जॉब की वैकेंसी उठा के देख लेना, और आप कहेंगे कि सर, जो आपने टॉप नंबर थ्री पे जो ट्रेड वेल्डर बताई है, आपने सही बताई है। बात करें रेलवे की, तो फिटर इलेक्ट्रीशियन के बाद तीसरे नंबर पे जॉब आती है वो आपकी आती है वेल्डर की, तो वेल्डर नंबर 3 पे है। अब आप चाहे ले लो, आप भेल ले लो, चाहे गेल ले लो, चाहे सेल ले लो, चाहे आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ले लो, चाहे आप हाल ले लो, HUL हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ले लो,
और चाहे आप कोई भी ले लो प्राइवेट में, चाहे मारुति सुजुकी हीरो ले लो, चाहे टाटा मोटर ले लो, इन सब में भी वेल्डर की वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में रहती है। तो तीसरे नंबर पे जो मैं प्राथमिकता देता हूँ आप लोगों को, वो वेल्डर देता हूँ। और इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है, क्योंकि वेल्डर में क्लास एयर्थ की मैरिट लगती है और इतने अच्छे स्टूडेंट इसमें नहीं आते हैं। कॉम्पिटिशन कम है, जॉब ज़्यादा है, इसकी दृष्टि से भी ये ट्रेड जो है वेल्डर बहुत अच्छी ट्रेड है। और क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर जो नंबर 1-2 पे हैं, उनमें कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि क्रीमी बच्चे 90% से 85% वाले बच्चे जो हैं उनको इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलती है टेंथ में। और जो टेंथ में जिसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होती है तो वो वेल्डर ले लेते हैं, क्योंकि वेल्डर में एयर्थ क्लास की परसेंटेज के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो इतने अच्छे वेल्डर में बच्चे जो हैं वो नहीं आते हैं, इसलिए जब वेल्डर से पास आउट बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है। तो इसलिए वेल्डर भी एक अच्छी ट्रेड है, क्योंकि वहाँ पर जॉब पाना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रीशियन और फिटर के थोड़ा सा इजी रहता है और ज़्यादा मात्रा में भी जॉब आती है। अगर नंबर 4 की बात करूँ मैं, तो आप लोग नॉन टेक्निकल ट्रेड ले रहा हूँ एक, जिसमें आप लोग इसको कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो कोपा जो ट्रेड है ये बहुत अच्छी ट्रेड है, रेलवे में वैकेंसी आती है, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब नहीं है भी लगती है आपकी, तो आपको कंप्यूटर में इतना सिखाया जाता है कि आप किसी शॉप में टैली की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जो है घर में कंप्यूटर कैफ़े खोल सकते हैं, जिसमें हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, फॉर्म भरना, नेट कनेक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित है ये, और कंप्यूटर का कितना स्कोप है आप लोग सभी जानते ही हैं, इसलिए मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट और ख़ुद का बिजनेस खोलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे तो वेल्डर में भी आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादा आपको कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप वेल्डर की शॉप खोल सकते हैं। मगर कोपा में क्या है, एक कंप्यूटर आपको ख़रीदना है तो आप कंप्यूटर की शॉप से आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए नंबर 4 पे मैंने कोपा रखा है। नंबर 5 पे जो है वो मैंने रखा है डीजल मकैनिक। डीजल मकैनिक और वैसे तो बहुत सारी ट्रेड हैं, मगर मैं डीजल मकैनिक को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेलवे में जो है वो डीजल मकैनिक की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। डीजल मकैनिक की जो मेन सोर्स ऑफ जॉब है वो है रेलवे, और रेलवे में बड़ी मात्रा में जॉब आती हैं। उसके बाद मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर हो गया, जो भी डीजल इंजन से संबंधित जॉब है वो सारी जो है डीजल मकैनिक के अंतर्गत आती हैं, इसलिए मैंने डीजल मकैनिक नंबर 5 पे रखा है। इसके समतुल्य, अगर इसके बराबर ही मानो, तो आप मशीनिस्ट मान सकते हैं, आप टर्नर मान सकते हैं, आप और भी ट्रेड मान सकते हैं जो डीजल मैकेनिक के बराबर ही हैं, मगर मैंने रेलवे को फोकस किया है। तो रेलवे में जो है डीजल मैकेनिक की अधिक वैकेंसी निकलती है एज़ कम्पेयर टू टर्नर, एज़ कम्पेयर टू मशीनिस्ट। तो मैंने जो है वो चौथे पाँचवें नंबर पर जो है वो डीजल मैकेनिक रखा है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 ट्रेड कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे इलेक्ट्रीशियन है, नंबर 2 पे फिटर है, नंबर 3 पे वेल्डर है, नंबर 4 पे कोपा है, नंबर 5 पे डीजल मैकेनिक है। और ये जो मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है, अपना आपको मैंने एक दृष्टिकोण दिया है, ये जॉब की दृष्टि से है और रेलवे को खासकर मैंने फोकस किया है, क्योंकि ITI अगर कोई करता है तो वो रेलवे में, उसका सपना होता है कि वो रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब करे या रेलवे में लोको पायलट की जॉब करे, तो आप लोग इससे आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि टॉप 5 ट्रेड के बारे में आपके कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं आप लोग अगेन कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।